नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव का वो कौन सा सांसद है जिसने पूर्वांचल की राजनीति में अलग किस्म का रिकॉर्ड बना दिया? अखिलेश यादव का वो कौन सा सांसद है जिसने पिता और पुत्र दोनों को चुनाव में हरा दिया? दोस्तों, हम जिस सांसद की बात कर रहे हैं, एक झलक जरा उनकी संसद के अंदर की देखिए। जब नाश मनुष्य पर आता है पहले विवेक मर जाता। हमको तो बड़ा भ्रम होता है, विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत। इस सदन में भाजपा का नाम लेना बंद कर दिया है, केवल माननीय मोदी जी का नाम से शुरू भाषण होता है और उन्हीं के नाम पर खत्म हो। और मनरेगा का मजदूर भी आज तक 400 रुपया रोज आप नहीं दे पाए और आप 400 पार का नारा दे रहे थे। तो दोस्तों, ये है रमाशंकर राजभर, जो कि सलेमपुर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतकर संसद पहुंचे। सदन में सभी सांसद अपनी अपनी बात रख रहे थे। बारी आती है रमाशंकर राजभर की, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो धागे खोल दिए। सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ रमाशंकर राजभर के भाषण की हर कोई तारीफ करते हुए नहीं थक रहा। दोस्तों, इस बार लोकसभा की तस्वीर बदली है, विपक्ष मजबूत हुआ है और जो सांसद चुनकर सदन के अंदर पहुंचे हैं वो भी कुछ कम नहीं है। दोस्तों, विपक्षी खेमा इस बार सरकार के ऊपर काफी हावी होता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर भी पीछे नहीं है। दोस्तों, रमाशंकर राजभर 2024 के चुनाव में सपा के प्रत्याशी थे। बीएसपी ने भीम राजभर को मैदान में उतारा था, ऐसे में बीजेपी अपनी जीत पक्की मानकर चल रही थी। लेकिन रमाशंकर राजभर बेहद मजबूती के साथ चुनाव लड़े और गिनती के दौरान काफी उतार चढ़ाव के बीच जीत दर्ज की। दोस्तों, रमाशंकर राजभर के नाम एक और उपलब्धि दर्ज है। दरअसल रमाशंकर राजभर 2009 के लोकसभा चुनाव में उस समय के मौजूदा सांसद हरि केवल प्रसाद को उन्होंने हरा दिया और पहली बार संसद पहुंचे थे। और अब 2024 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें सलेमपुर सीट से प्रत्याशी बनाया तो उनके सामने स्वर्गीय हरि केवल प्रसाद के बेटे मौजूदा भाजपा सांसद रविंद्र कुशवाहा थे। और इस बार रमाशंकर राजभर ने रविंद्र कुशवाहा को हरा दिया। इस तरह से रमाशंकर राजभर पिता और बेटे दोनों को अलग अलग समय पर हरा चुके हैं। दोस्तों, रमाशंकर राजभर का राजनीतिक करियर 1991 में शुरू हुआ था। उन्होंने अलग अलग दलों से देवरिया के रुद्रपुर विधानसभा सीट से 4 बार किस्मत आजमाई, यानी कि 4 बार चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें कामयाबी हाथ नहीं लगी। दूसरे नंबर पर रहकर अपनी ताकत का एहसास रमाशंकर राजभर हमेशा कराते रहे। रमाशंकर राजभर ने 1991, 1993 में जनता दल, 1996 में बीएसपी और 2000 में निर्दलीय रुद्रपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर रहे थे। फिर आता है दोस्तों साल 2004। इस चुनाव में रमाशंकर राजभर को बीएसपी ने सलेमपुर सीट से प्रत्याशी बनाया था, मगर उन्हें जीत नसीब नहीं हुई। उसके बाद 2009 का चुनाव आता है। दोस्तों, इस चुनाव में रमाशंकर राजभर ने पहली बार जीत का स्वाद चखा। उन्होंने सपा से चुनाव लड़ रहे तत्कालीन सांसद हरि केवल प्रसाद को चुनाव में हरा दिया था और अब 2024 का चुनाव उन्होंने जीता है। खास बात यह है दोस्तों कि सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में रमाशंकर राजभर ने 20 साल बाद समाजवादी पार्टी को जीत दिलाई है। दोस्तों, सलेमपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी पहली बार 1996 में उतरी थी। उसके बाद 2009 तक चुनाव तक समाजवादी पार्टी लगातार मैदान में उतरती रही, लेकिन जीत केवल 2 ही बार मिली। रमाशंकर राजभर मूल रूप से रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के शिवपुर गांव के रहने वाले हैं। रमाशंकर राजभर की पहचान जमीनी और संघर्षशील नेता के तौर पर होती है। रुद्रपुर में उनकी पहचान रमाशंकर विद्यार्थी के रूप में थी। साल 2000 के बाद रमाशंकर राजभर ने सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक जमीन तलाशनी शुरू कर दी और इसके बाद वो सलेमपुर में ही सक्रिय रहे। दोस्तों, साल 2024 के चुनाव में रमाशंकर राजभर न केवल सपा को जीत दिलाई उन्होंने, बल्कि बीजेपी के विजय रथ को भी रोकने का काम किया। जब नाश मनुष्य पर आता है पहले विवेक मर जाता। सभापति जी, सब चंगा से सरकार की बातों को हम लोग सुना जाए उस पक्ष के, तो सब ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। धन प्रबंधन एक बड़ा विषय है,
और आपके माध्यम से सत्ता पक्ष से कहना चाहता हूं, बहुत कम समय, केवल एक उदाहरण देकर बात खत्म करो। ऐसा धन प्रधन है कि हम सांसदों को 5 करोड़ सांसद निधि मिलती है, यह जनता भी जानती है और सरकार भी जानती है, लेकिन मिलता कितना है? 4 करोड़ 90 लाख। और जब वो जिले पर आप धन लिखेंगे तो 2% स्टेनरी चार्ज कटेगा और 18% जीएसटी कटेगा, तो मिलेगा आपको 3 करोड़ 90 लाख का ही बमुश्किल काम करा सकते हैं। यह सरकार का धन प्रबंधन है। अगर इससे अधिक हमारे सत्ता पक्ष के साथी पाएंगे तो हमको बताएंगे। जो धन प्रबंधन है, बड़ा अच्छा लगा था वित्त मंत्री जी का उस दिन का भाषण सुन करके कि 7 लाख तक हम टैक्स नहीं लेंगे और 30 करोड़ जो कमाएगा 30 लाख उससे इतना लेंगे, 80 करोड़ जो कमाएगा उससे इतना लेंगे। लेकिन ये नहीं बताया गया जो डायरेक्ट कर है, इन डायरेक्ट कर में आप मारे जा, जनता मारी जा रही है। डायरेक्ट कर वालों को कितना लाख रुपया उनका बट्टे खाते में डाल दिया जाता है? जो अधिक करदाता है उनका कर्जा माफ होता है और उनके धन बट्टा खाते में डाल दिए जाते हैं, और कम कर देने वाला मतदाता उसका पंपिंग सेट का ऋण भी नहीं माफ होता है। 10,000 रुपया कर्जा लिया है वह भी माफ नहीं होता है। मैं सत्ता से कहूंगा सब चंगा से, लेकिन कब चंगा से? जब रेड सिग्नल पर आपका शीशा पोसते हुई कोई बेटी और कोई बेटा न मिले। जब शादी पैसे के अभाव में किसी बेटी की शादी रुकती है तब पीड़ा होती है। और जो हमारा धन प्रबंधन है, माननीय सभापति महोदय, आज तक यह सरकार कर, हमको तो बड़ा भ्रम होता है, विकसित भारत विकसित भारत विकसित भारत, और इस विकसित भारत की कल्पना में मैं साधुवाद देता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के भाइयों को कि सदन में भाजपा का नाम लेना बंद कर दिया है, केवल माननीय मोदी जी का नाम से शुरू भाषण होता है और उन्हीं के नाम पर खत्म होता है। लेकिन विकसित भारत में आप देखा, थाने का चौकीदार आज भी 400 रुपया रोज नहीं पाता, गरीबों की सेवा करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, रोजगार सेवक, सहायिका, आशा बहू, शिक्षा मित्र और मनरेगा का मजदूर भी आज तक 400 रुपया रोज आप नहीं दे पाए और आप 400 पार का नारा दे रहे थे। आपने बड़ा शौचालय बनाया, इतना शौचालय बनाया कि कितने का? 12,000 का। अरे जाइए 5-स्टार होटल में एक कमरे का भाड़ा 12,000 है। लाख में? मैं भी लाख वाले में नहीं गया मैं। हाँ ये जरूर है कि आप जल नल से पानी दे रहे हैं फ्री में तो छाती पीटा जा रहा है, लेकिन यह अभी तो देखें कि 1,000 रुपया 1 लीटर पानी और 50 रुपये में 1 लीटर दूध मिला। मैं आपसे अदब और तमीज से कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स किस तरह से आता है? सभी सांसद हमारे बैठे हैं और सरकार के लोग भी अगर बड़ी गाड़ियों से न जा रहे हों तो हर शहरों में लेबर बाजार लग रहा और वहां 400, 500, 1,000 लेबर, और कोरोना के बाद जो आपने की व्यवस्थाओं से हजारों किलोमीटर लोग पैदल चले, ट्रेन हमारी थी लेकिन लोगों को पैदल चलना पड़ा, मरे, सारे रोजगार बंद हुए, और वह लोग जो
लेबर हैं वो काम के अभाव में इतने महंगे सीमेंट चढ़ मालिक घर बनाना बंद कर दिए, और जो ही वो भी जाते हैं जान लेना शाम को शराब पर आप सबसे अधिक टैक्स लेते हो, और वो लेबर भी शराब पीकर आपको टैक्स देता है और कर प्रबंधन में धन प्रबंधन में आपकी मदद करता है, लेकिन आपने उसके बच्चे के पढ़ने के जब इंतजाम की का समय आया तो उस पर आप GST लगाते हो कॉपी और किताब में। इन्वेस्ट की बात होती है, मैं समय नहीं लूंगा, मेरे दल के दूसरे साथी को बोलना होगा। इन्वेस्ट के नाम पर उत्तर प्रदेश में जब से सरकार बनी है करीब 7 बरस से रोज इन्वेस्टर बुलाए जाते हैं कि आएंगे इन्वेस्ट करेंगे और हमारा विकास होगा, हमारा धन बढ़ेगा, लेकिन इन्वेस्ट पर कितने करोड़ रुपया खर्चा हुए, जितने करोड़ रुपया खर्चा हुए उतने का भी निवेश हमारे देश प्रदेश में नहीं हुआ। आप निवेश ठीक करेंगे नहीं, आप उधार देंगे उधार लेंगे नहीं, आप अगली बाजार को देखेंगे नहीं। आपने माल संस्कृति ला दी, आप भूल गए कि छोटा व्यापारी 1000 रुपए में किराए की दुकान लेता है, 500 रुपया 1000 रुपया उस दुकान का भाड़ा देता है, छोटी दुकान खोला था और आपने ऐसा बढ़ावा दे दिया कि अब नेट से मार्केटिंग हो रही है। उसको मार्केटिंग जब शुरू हो गई लोग फोन कर दे रहे हैं, माल वालों का माल तो घर आ जा रहा है, माल वालों के किराना का सामान उनके फोन से घर आ जा रहा है, माल वालों का जूता चप्पल कपड़ा सौंदर्य सामग्री केवल फोन से सब्जी तक उनके घर पहुंच जा रही है, लेकिन जो गरीब दुकानदार है व्यापारी है जरा उसकी दशा पूछो, अपने दुकान का भाड़ा तक नहीं दे पा रहा है, उसका किराया तक नहीं दे पा रहा। इसलिए मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि जो आपने व्यवस्था दी है इन व्यवस्थाओं की बदौलत आप विकसित हो सकते हैं, ऑनरेबल मेंबर श्रीमती जी, लेकिन देश का गरीब नहीं विकसित होता है, और जब तक देश की झोंपड़ी नहीं विकसित होती है 1,20,000 में आवास आप बना रहे हैं, बनेगा 1,00,000 रुपए में 1,20,000 में आवास। हाँ बोल दिया, नाम बोला उसका, नहीं बैठ गए।